हे गाइस, वेलकम टू तारा सितारा व्लॉग। तो आज मैं आ चुकी हूँ स्मृति भवन, जहाँ पर लगने वाला था लखनऊ में लखनऊ महोत्सव। तो यहाँ आकर मेरा तो पोपट हो गया है, मेरी पब्लिक का पोपट ना हो, इसीलिए मैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन लाई हूँ कि 30 नवंबर को जो मेला लगने वाला था यहाँ पर लखनऊ महोत्सव, वो नहीं लगा है शायद मौसम की वजह से। तो आप लोग अभी 2-3 दिन बाद आइएगा, क्योंकि यहाँ महोत्सव नहीं लगा है। बस यहाँ तैयारियाँ जोरों शोरों से हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बहुत बढ़िया से झूले वगैरह जो लग रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए, वो बहुत बढ़िया से लग चुके हैं यहाँ पे। अभी कुछ टाइम नहीं, मतलब टाइम लगेगा। देख रहे हैं कि मेरे पीछे दुकानें वगैरह भी लग रही हैं, तो इन्हें भी अभी 1 से 2 दिन लगेगा ही। तो अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप संडे से आइए, तो आपको प्रॉपर मेला यहाँ पर मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरी पब्लिक के लिए थी। आप सभी, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बिल्कुल भी यहाँ देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। ना कोई स्टॉल है, ना झूले वगैरह स्टार्ट हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ लखनऊ की पब्लिक मेरी तरह पोपट ना हो और यहाँ पर आप सभी को मिल जाए अच्छे से प्रॉपर मेला। तो आप संडे तक ही विजिट करिएगा। तो देखिए, जैसे मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह, रजाई वगैरह लग रही है, बट अभी लगी नहीं है प्रॉपर शॉप। बट यहाँ वुलन का अच्छा कलेक्शन आने वाला है, तो अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं वुलन में तो आप ले सकते हो। लेकिन प्लीज बस आप संडे तक ही आइएगा अभी लगने में, क्योंकि टाइम है यहाँ। आप सभी को बताएं कि लखनऊ महोत्सव में खाने में बहुत सारी चीजें लगती है। 28 राज्य से लोग आते हैं अपने स्वाद को चखाने के लिए यहाँ पर। और तो अभी फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है, एक गोलगप्पे का स्टॉल है। तो चलिए आइए, गोलगप्पे खाते हैं। भैया के पास 10 रुपए के 4 गोलगप्पे हैं और इनके पास 4 तरीके का पानी है, इमली पानी, खट्टा मीठा पानी और तीखा चटपटा। मस्त है एकदम गोलगप्पे, मजा ही आ गया यार। तो देखिए, यहाँ पर दुकानें कुछ इस साइड लग रही हैं और यहाँ पे कुछ दुकानें आज लग जाएंगी शायद शाम तक, लेकिन फिर भी आप 2-3 दिन बाद ही आए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको अच्छे से विजिट करने को मिलेगी सारी शॉप्स। आइए मैं आपको और दुकानें दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे लग रही हैं, क्योंकि यहाँ तैयारियां बहुत अच्छे से हो रही है। 2 दिन लेट हो चुका है वैसे भी, तो आइए मैं तो देखिए भैया कि यहाँ पे कालीन वगैरह की शॉप लग रही है, लेकिन अभी ये अभी प्रॉपर लगी नहीं है, बट 1-2 दिन में ये अच्छे से लगा देंगे। यहाँ पे देखिए आपको सारे कालीन मैट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से परचेज करना चाहती है अपने घर के लिए तो ले सकती है यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ का मुख्य द्वार ये है, देखिए ये अभी बन रहा है, ये भी अभी प्रगति पर है, ये भी अभी बना नहीं है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सके, टिकट काउंटर वगैरह भी अभी नहीं बने हैं, पार्किंग वगैरह की भी तैयारी हो रही है। तो देख लीजिए, अभी सारी तैयारियां ही हो रही है यहाँ। तो लोग हमारी तरह बहुत ही उत्साह के साथ आ रहे हैं मेले में, लेकिन बहुत ही निराशा के साथ जाना पड़ रहा है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड फेयर का जो है सामान या शॉप स्टॉल कुछ भी नहीं लगे। वैसे तो गाइज, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर महोत्सव का ही वीडियो शूट करने आई थी, बट यहाँ पर महोत्सव नहीं लगा हुआ है, तो मैंने सोचा आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पर महोत्सव कब तक लगेगा और यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी तैयारियाँ चल रही है, कैसे चल रही हैं और कब तक प्रॉपर यहाँ पर महोत्सव लग जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और वीडियोज़ आप सभी के लिए लाती रहूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।